Have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. फायर वाज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वाज़ फ्राइटेंड एंड ही वाज़ फ्राइटेंड ठीक है अर्ली मैन को जो है पता नहीं था उन लोगों को पता नहीं होगा शायद कि फायर क्या था लेकिन उन लोग ने जो है आ, आ, इसका जो डैमेज था ठीक है इसके कारण जो डैमेज था वो शायद देखे होंगे ठीक है ही मस्ट हैव वास्ट लाइटनिंग ठीक है जो भी इससे जो है लाइट होता था वेलकैनोज जो निकलता था हमारे प्लेटूज एरियाज से ठीक है वो शायद उन लोगों ने जो है देखा होगा ठीक है बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ जब जो है वो फायर नहीं यूज किए थे इससे पहले वो लोग जो है लाइटनिंग और वोलकैनोज वगैरह देखे होंगे फायर वॉज़ पावरफुल एंड डेंजरस ठीक है फायर uh, जो था वो शक्तिशाली भी था लेकिन खतरनाक भी था एंड ही वॉज़ फ्राइटेंड ठीक है जिससे जो है अर्ली मैन डरे हुए थे ठीक है इतना समझ में आ गया फायर मेंजल्ड अर्ली मैन बट वी नो बट नाउ वी नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ठीक है शायद अर्ली मैन को लगा होगा कि ये फायर होता क्या है ठीक है उनको पजल जैसा लगा होगा उनको मतलब सूझ नहीं रहा होगा क्या है लेकिन अब हम लोग को पता है कि ये केमिकल रिएक्शन होता है ठीक है वेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ठीक है जब एक फ्यूल में जो है ठीक है कार्बन और हाइड्रोजन ठीक है कार्बन और हाइड्रोजन जो है थीके? फ्यूल uh, वाला जो रहता है वो कंबाइन होता है ठीक है ऑक्सीजन के साथ तब जो है हमारा क्या होता है एक फायर बनता है ठीक है, तो है इनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस ठीक है जब हम लोग का ये प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शन तो वहाँ पे हीट और लाइट निकलता है एनर्जी के फॉर्म में दिस इज वाट वी कॉल फायर ठीक है इसे ही तो हम लोग मतलब जो है आग कहते हैं ठीक है फायर थ्री थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर ठीक है फ्यूल ऑक्सीजन एंड हीट ठीक है तीन चीज़ चाहिए फायर को बनने के लिए एक फ्यूल चाहिए एक ऑक्सीजन और हीट चाहिए वुड कोल कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल्स ऑफ द फ्यूल ठीक है जैसे कि वुड हो गया कोल हो गया ये कुकिंग गैस हो गया ये सब एग्जांपल है फ्यूल के ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर ठीक है ऑक्सीजन जो है वो तो हवा से आता है दिस इज वाई वेन यू ब्लो ऑन अस्मउल्डरिंग पेपर इट ओफेन बर्स्ट इन टू फ्लेम ठीक है स्मोल्ड्रिंग uh, मतलब होता है धीरे धीरे जल रहा होता है जो ठीक है देखिए आप लोग को ये पता भी होगा ठीक है आप धीरे धीरे मतलब जो पेपर जलते रहता है अगर आप उसको फूकेंगे ठीक है हवा देंगे ब्लो करेंगे तो वो एक फ्लेम में बदल जाता है इसी कारण से क्योंकि हम लोग जो है हवा उसको देते हैं ऑक्सीजन मिलता है फ्यू नेक्स्ट है द the... थर्ड थिंग नीडेड टू मेक द फायर इज हीट ठीक है अगर उसको थोड़ा गर्मी मिलेगा तभी तो फायर होगा ठीक है फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देम ठीक है देखिए फ्यूल और ऑक्सीजन जो है मिलने से फायर नहीं बन जाता है or else, or else a newspaper और एल्स और एल्स अ न्यूज़ पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन या फिर कहीं कोई लकड़ी या फिर पेपर रखा हुआ है तो वो अपने से नहीं जलता है ठीक है उसको जलने के लिए कोई मतलब कुछ चाहिए टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वी हीट इट वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर ठीक है कोई भी चीज को जलाने से पहले उसको हम लोग गर्म करते हैं ठीक है वी जनरली डू इट विथ अ लाइटेड मैच ठीक है माचिस होता है ठीक है माचिस की तिल्ली से जो है हम लोग जो है इस ये काम जो है करते हैं ठीक है थीके? एवरी फ्यूल हैज़ अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगेन्स टू बर्न ठीक है हर एक फ्यूल के पास जो है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है उसी पे वो जलना शुरू होता है जैसे कि पेपर है वो मतलब मान लीजिए पैंतीस या फिर छत्तीस डिग्री सेल्सियस पे जलता है तो उस उसी टेम्परेचर पे जलेगा ठीक है दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल ठीक है जिस टेम्परेचर पे वो जलना शुरू होता है उसको हम लोग फ्लैश पॉइंट कहते हैं या फिर किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल कहते हैं ठीक है uh, समझ गए बात इतना तक इट इज समाइम्स सेट दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर इट वनली मिस डेट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल ये कहा जाता है कि ठीक है आग जो है एक अच्छा नौकर भी है और एक अच्छा मालिक भी है ठीक है अगर हम लोग आग को जो है आग जो है बहुत यूज़फुल है अगर इसको अगर हम लोग जो है कंट्रोल में यूज़ करें तो ठीक है फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड वार्म आवर होम्स इन विंटर टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है देखिए जैसे कि हम लोग फायर का यूज़ जो है हम लोग अपना खाना बनाने में करते हैं जब ठंडा होता है तो हम लोग जो है हीटर का उपयोग करते हैं या फिर चिमनी लगा रहता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर को जो है इवोपोरेट किया जाता है फायर के ही हेल्प से ठीक है तो हम लोग इसका बहुत सारा यूज़ करते हैं बट ऑन द अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट इट कैन बी वेरी डेंजरस ठीक है लेकिन अगर देखिए अगर जो है फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ये काफ़ी ख़तरनाक होता है ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाई फायर ठीक है हर एक साल जो है हजारों घर और दुकानें जो है मतलब आग के कारण जो है मतलब खराब होते हैं डैमेज होते हैं वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड ठीक है देखिए क्या होता है हर एक साल जो है बहुत बड़ा एरिया जंगल का जो है, जो है मतलब ख़त्म हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है और हंड्रेड्स ऑफ पीपल का जो है लाइफ जो है वो लोग जो है इंजर्ड हो जाते हैं या कोई कोई तो मर भी जाता है मतलब फायर के कारण Just as three things need, are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be. पुट आउट ठीक है देखिए अगर हम लोग को आग जलाना है तो तीन चीज़ चाहिए होगा ठीक है फाइव जो फा, फ्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड है और ओटू है ठीक है ओ टू नहीं हीट ठीक है तीन चीज़ चाहिए लेकिन अगर हमको उसको बुझाना रहे तो तीनों में से कोई एक को हटा देंगे तो हमारा फायर जो है ख़त्म हो जाएगा ठीक है इन इन ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर द बर्निंग इज टेकन अवे ठीक है अगर आग को बुझाना है तो तीनों सामान में से कोई एक को जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा खत्म करना पड़ेगा या तो हम लोग फ्यूल को नहीं देंगे या तो हम लोग उसको सी ओ टू कम कर ऑक्सीजन कम कर देंगे या तो फिर हम लोग जो है आ, उसका हीट नहीं देंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल इफ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन नो बर्निंग कैन टेक प्लेस ठीक है अगर हम लोग कुछ जलाएंगे ही नहीं ठीक है कुछ फ्यूल देंगे ही नहीं तो फायर जो है लगेगा ही नहीं ठीक है या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं वी ओफेन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू ईट ठीक है जैसे हम लोग मान लीजिए हमने जो है गैस Uh, गैस का यूज़ करते हैं तो देखिए ज़्यादा फ्यूल नहीं रहता है तो अपने आप बंद हो जाता है ठीक है ज़्यादा गैस नहीं रहता है तो तो आग बुझाने का uh, सबसे पहला तरीका है कि हम लोग फ्यूल ही ना दें या फिर फ्यूल को जो है ख़त्म कर दे धीरे धीरे ताकि जो है फायर अब नहीं लगे ठीक है द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट ठीक है दूसरा तरीका ये है फायर रोकने का कि हम जो है वहाँ पे ऑक्सीजन जो है नहीं जाने दें ठीक है नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर ठीक है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग भी नहीं लगेगा अ स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और अ स्मूदर्ड विथ अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक ठीक है मान लीजिए देखिए छोटा जो मतलब छोटा फायर लगता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है कोई चादर उस पर रख देते हैं या फिर कोई बोड़ा वोड़ा रहता है तो वो डाल देते हैं ठीक है थीके? तो उससे जो है आग हल्का हो जाता है या फिर बुझ जाता है ठीक है दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल ठीक है ये क्या करता है कि ऑक्सीजन जो रहता है आग में नहीं जाने देता है इसीलिए जो है रुक जाता है समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू स्टिंग्विस फायर ठीक है कभी कभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को बुताने के लिए जो है यूज किया जाता है इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल ठीक है जो बर्निंग मटेरियल रहता है फ्यूल रहता है वहाँ तक जो है पहुँचने नहीं देता है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज करते हैं तो ऑक्सीजन को पहुँचने नहीं देता है द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव हीट ठीक है तीसरा तरीका है कि हम लोग जो है गर्मी को हटा दे हीट को हटा दे इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट ठीक है जिस पॉइंट पे जो है वहाँ पे आग लगता है अगर उस पॉइंट से जो है टेम्परेचर को नीचे कर दिया जाए ठीक है द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग ठीक है तो क्या होगा वो फ्यूल होगा जो वो जो है जलना बंद हो जाएगा यू uh, ब्लो यू ब्लो ऑन अ वर्निंग मैच स्टिक्स और अ कैंडल टू पुट इट आउट ठीक है जैसे कि हम लोग को कोई कैंडल जो है बुताना रहता है ठीक है तो हम लोग जो है उस पर फूक मार देते हैं इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट ठीक है इसमें आप करते क्या है? कि जब आप हवा मारते हैं तो उसके अराउंड जो एयर रहता है वो गर्म रहता है ठीक है लेकिन जब आप हवा मारते हैं तो वहाँ पे अराउंड द एयर जो है वहाँ पे क्या होता है हवा ठंडा हो जाता है इसके कारण जो है कैंडल क्या होता है बुझ जाता है ठीक है समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर ठीक है कभी कभी जो है क्या होता है वाटर को जो है पानी को छीटा जाता है फायर को मतलब बुझाने के लिए ईट ऑब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर ये क्या करता है जो फ्यूल जलते रहता है उससे क्या होता है उसका गर्मी ले लेता है ठीक है और टेम्परेचर को कम कर देता है द ब्लैंकेट ऑफ वाटर एल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ठीक है आ, मतलब मतलब ज़्यादा अगर पानी डालते हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम होता है जिससे ऑटोमेटिक फायर जो है आ, कम होता है ठीक है फायर इज एक्सटिंग्विश्ड सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर ठीक है कोई कोई जो आग होता है जिसको जो है हम, हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते हैं ठीक है इफ़ वाटर इज स्प्रेड इन टू एन ऑयल फायर द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न बर्न जैसे कि देखिए कहीं कहीं तेल का कारखाना रहता है अगर वहाँ पे हम लोग पानी से आग को, तो वहाँ तो दिक्कत हो जाएगा क्यों क्योंकि पानी के ऊपर जो है तेल तैरने लगता है और जो है फायर जो है कंटिन्यू होता है जलते रहता है दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली ठीक है ये बहुत डेंजरस है क्योंकि वाटर जो है जल्दी से नीचे चला जाता है और तेल ऊपर आ जाता है कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ ईट एंड स्प्रीडिंग द फायर ठीक है और होगा क्या कि जैसे देखिए पानी के साथ जो है तेल इधर उधर फ्लो करेगा तो जो है फायर इधर उधर जो है मतलब फैल जाएगा और इससे ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा वाटर शूड एल्सो नॉट बी यूज ऑन फायरस काउज्ड बाई इलेक्ट्रिकल एप्लींसेज ठीक है जैसे देखिए कोई इलेक्ट्रिकल सामान है या फिर स्विच बोर्ड है वहाँ पर भी जो हम लोग पानी से जो है फायर को नहीं बुझा सकते हैं द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एंड इलेक्ट्रिक शॉक एंड भी किल्ड ठीक है अगर कोई देखिए मान लीजिए स्विच बोर्ड पर या फिर इलेक्ट्रिकल एप्लींसेज पर पानी छिड़केगा पान आग को बुझाने के लिए तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है या फिर वो मर भी सकता

न्यू वेज़ ऑफ़ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल ठीक है हम लोग जो है हर साल मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है uh, फायर को जो है मतलब uh, बुझाने में जो है इसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है थीके? और नए नए तरीकों को जो है हम लोग जो है नए uh, uh, नए तरीकों से उसको जो है मतलब बुझाते हैं ऑन द होल वी हैव लर्नड रेदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरी डे लाइफ ठीक है uh, मतलब पूरा कहने का मतलब ये है कि हमने जो है uh, इसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए uh, मतलब सीख गए हैं और एवरी डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए सीख गए हैं लॉन्ग एगो देयर वेयर नो फायर मैन वेन द फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर पीपल फॉर्म ह्यूमन चेंज एंड पास्ट बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम वेल और पॉन्ड टू द ब्लेज देखिए पहले के समय में क्या था कि फायर फाइटर नहीं रहते थे या फिर फायर ब्रिगेड्स नहीं रहते थे ठीक है तो पहले होता क्या था कि कोई पॉन्ड है ठीक है वहाँ से ये लोग पानी लेते थे और एक दूसरे को पास कर देते थे ठीक है देख सकते हैं ये चेन बना लिया है ठीक है और जहाँ ब्लेज है जहाँ आग लगा है वहाँ पर पानी डालते थे ठीक है नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस विच इंश्योर द स्पेस इज लेफ्ट बिट्वीन द बिल्डिंग्स टू रेड्यूस द फायर रिस्क अब क्या होता है कि दो बिल्डिंग के बीच में जो है थोड़ा बहुत स्पेस गैप रहता है जिससे जो है फायर जल्दी से नहीं लग सकता है एवरी न्यू बिल्डिंग ई स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स ठीक है फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स के लिए जो भी प्रिवेंशन है खास करके पब्लिक प्लेस जो है फॉलो करना चाहिए ठीक है बैंड्स ऑफ फाइटर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट्स नोन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर ठीक है जब कभी भी आग लग जाता है तो ट्रेंड जो है ठीक है फायर फाइटर्स ठीक है फायर फाइटर्स मतलब फायर ब्रिगेड्स वाले वर्कर को ही बोला जा रहा है वो जो है उनको बुलाया जाता है मतलब जब भी आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल ठीक है उन लोगों को जो है ऐसा ट्रेंड किया जाता है इसी को जो है आग को बुझाने के लिए दे पोजेज मैनी स्किल्स दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल ठीक है वो लोग जो है क्या करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देते हैं ठीक है डेंजरस वॉल को जो होता है उसको गिरा देते हैं ठीक है थीके? वाटर वाटर को स्प्रे किया जाता है छीटा जाता है और अदर मटेरियल का यूज किया जाता है फायर को जो है कंट्रोल में लाने के लिए दे आर एल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो डैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक ठीक है उन लोगों को फर्स्ट एड का भी नॉलेज दिया जाता है ताकि जो जिनको जल गया है ठीक है या फिर स्मोक uh, से जो है कुछ हो गया तो उनको जो है बचा सकते हैं द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेज हेल्पड अर्ली मैन टू कोप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली एडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ ठीक है अर्ली मैन को जो है फायर काफ़ी हेल्प किया एनिमल से बचने के लिए गर्मी लेने के लिए ठीक है और जिससे वो सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ में जो है धीरे धीरे आ गए ठीक है फायर जो है कोई मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो है वर्शिप किया जाता है पूजा किया जाता है फायर का ठीक है फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फायर इज इन डीड अ फ्रेंड ठीक है बट ए एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एन मी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल ठीक है फायर जो है एक बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो यह हमारा काफी बड़ा दुश्मन हो जाता है